बिहार में अपराधियों का ठोक तंत्र चल रहा है। पुलिस को ही लगातार गोलियों से छलनी किया जा रहा है। एक बार फिर से बिहार के वैशाली जिले में बेकौफ अपराधियों ने सोमवार की सुबह वैशाली में पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर डाली। अपराधियों ने वाहन चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। अपराधियों ने इस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें सिपाही को गोली लगी है, जिसमें एक सिपाही अमिताभ कुमार को भी गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें आनन फानन में अस्पताल में हाजीपुर भर्ती कराया गया, जहाँ पर एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराने के बाद उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि घायल सिपाही को 4 गोली लगी है, जिसमें सिपाही की हालत बेहद चिंताजनक बन गई थी। पूरी घटना सेंट्रल बैंक से एक आदमी पैसा निकाला, तो बाहर निकलने के बाद उसको पैसा कुछ लोग 3-4 लड़का छीन रहा था। इस पर गार्ड सुना, उसके बाद उसको रख और गार्ड पर एक गोली चला दिया। जो 4 जो अभी क्या क्रिमिनल है आतंकवादी अपराधी, ये अपराधी को पब्लिक पर है, पब्लिक को अपराधी है, पकड़ाए कितने हैं? 2। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने लगातार छापामारी और कार्रवाई करते हुए बदला भी ले लिया है। वरीय पुलिस अधिकारी पदाधिकारी वहां मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने मौत के 3 घंटे के बाद ही दोनों ही आरोपित बदमाशों को ढेर कर दिया है। तो आपको बता दें कि बिहार के वैशाली में लोकतंत्र के नाम पर ठोक तंत्र चला है। पहले अपराधियों ने छलनी किया, उसके बाद पुलिस ने अपनी ही गोलियों से उन अपराधियों को ढेर कर दिया और यह संदेश दिया कि पुलिस के गिरेबान पर खनोच लगाने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा और घंटे भर में ही उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वाहन चेकिंग के दौरान एक पुलिस को गोली मारकर हत्या करने के मामले में सोमवार को बिहार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। सिपाही की गोली मारकर हत्या करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने घटना के 3 घंटे के बाद ही ढेर कर दिया है। जिला पुलिस ने दोनों बदमाशों को भागने के क्रम में गोली मारी है। SP ने कहा है कि दोनों बदमाश को पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए ले जा रही है। उसी दौरान वे वाहन से उतरकर भागने लगे हैं। पुलिस ने इसी दौरान दोनों पर फायरिंग की है। दोनों को अस्पताल ले जाया गया है, जिसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। अब जहां तक की बात सामने आ रही है कि पुलिस ने जिस तरीके से बदला लिया है, हालांकि यह रचा रचाया स्क्रिप्टेड लग रहा है, अनुमानित है, लेकिन जिस तरीके से अपराधियों का बदला लिया गया है और सीधे तौर पर यह संदेश दिया गया है कि पुलिस प्रशासन पर अगर तुम उंगली भी उठाओगे, एक फायरिंग भी करोगे, तो अंजाम घंटे या 2 घंटे में ही देखने को मिल जाएगा, जिसका एक स्पष्ट संदेश वैशाली पुलिस की तरफ से दिया गया है। यह आप देखिए और सुनिए कि क्या कह रहे हैं पदाधिकारी। सराय थाना अंतर्गत आज वाहन चेकिंग धर्मेंद्र भाई, उसी में 2 अपराधकर्मी के द्वारा वहाँ मौजूद पुलिस पर चेकिंग किया गया, जिसमें हमारा एक सिपाही अमिताभ कुमार को सीने में गोली लग गई। उनको इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, परंतु उनको नहीं बताया। इन 2 अपराधकर्मियों को पूछताछ के लिए नगर थाना लाया जा रहा था, परंतु ये गाड़ी से धक्का देकर पुलिस जवान को धक्का देकर भागने लगे। पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई, ये घायल हुए हैं, फिलहाल इनको इलाज के लिए अस्पताल। क्रॉस फायरिंग भी हुई थी या सिर्फ एक तरफ से फायरिंग हुई है सर? अभी हम लोग इसका जांच कर रहे हैं। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। जैसा कि त्योहारों का सीजन चल रहा है और हर कोई चाहता है कि उनके दुकान पर ज़्यादा ग्राहक आए, उनका बिजनेस बढ़े, क्योंकि ये जो 3-4 महीने हैं लगन होगा, उसके त्योहारों के बाद लगन आएगा और जम के लोग शॉपिंग करेंगे। तो इस मौके पर अगर आप चाहते हैं कि हम आपके दुकान आपके ब्रांड का प्रचार कर दें, लोगों तक पहुँचा दें, हमारी व्यूअरशिप है, पिछले महीने हमने 10,01,000 लोगों तक अपनी चैनल को पहुँचाया है, अपने वीडियोज़ को पहुँचाया है, वैसे भी 5-6 लाख व्यूअर हमारे पास हर महीने हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि प्रकाशवाणी आपका प्रचार करे, आपके दुकान आपके ब्रांड को लाखों दर्शकों तक पहुंचाए, तो हमसे संपर्क कीजिए। त्योहारों का सीजन है, कहीं देर ना हो जाए। प्रकाशवाणी से प्रचार करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। जरूरी हमारे साथ देखते रहिए प्रकाशवाणी। धन्यवाद।